नतनी भी है। हाँ, उनकी नतनी भी है, ये सब परिवार यहाँ पे है। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रही। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहां सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले, एक तो उनका परिवार है लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है, वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है, आप कुछ कहना चाहो। जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहां पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी सवा डेढ़ महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी, इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 में, 9:40 की फ्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहां भी छठ हो वहां पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही है और मैं घर में, वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था। जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ, हमारी पीएमओ से भी फोन आया। और अब ये कैसा संयोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके जुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सबने शारदा दीदी के स्वास्थ्य, बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो किसी, होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है।